बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर और डाटा सिक्योरिटी की डिटेल्स देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह आप अपने डाटा को हैकर्स और अटैकर्स से बचा सकते हैं। जबकि आज के लेक्चर में हम डाटा प्राइवेसी के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, अक्सर लोग डाटा सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी को एक ही चीज समझते हैं, जबकि डाटा प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी दो अलग अलग टर्म्स हैं। डाटा सिक्योरिटी में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम वो तमाम टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिनके जरिए डेटा को नुकसान होने से, डैमेज होने से बचाया जाता है, जबकि डेटा प्राइवेसी में हम इस बात पर फोकस करते हैं कि डेटा किस तरह कलेक्ट किया जा रहा है, किनसे शेयर किया जा रहा है और कहां यूज किया जा रहा है। इन शॉर्ट, डेटा प्राइवेसी में हम डेटा को मिसयूज होने से बचाते हैं। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गया इन दोनों में डिफरेंस। आइए अब डेटा प्राइवेसी की डिटेल्स देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एम्प्लॉइज हो, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग उनका डाटा ही होता है। और डाटा प्राइवेसी मींस किसी भी एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन और डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखना, यानी राजदाराना तौर पर रखना, छुपाना या फिर सीक्रेट रखना, ये कहलाता है उस डाटा की प्राइवेसी। और हम में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि हमारी वेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि अकाउंट्स और पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हमेशा प्राइवेट रखा जाए। क्यों? ताकि कोई और हमारी उस इंफॉर्मेशन के जरिए हमें नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि अब इंटरनेट का जमाना है, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग हो या फिर ई कॉमर्स हो, तमाम ट्रांजेक्शंस, खरीदो फरोख सब इंटरनेट पर किया जाता है। तो ऐसे में किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की प्राइवेसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जबकि इसके बरक्स अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से लोगों को बहुत से मसाइल से गुजरना पड़ता है अपनी प्राइवेसी से रिलेटेड। तो आइए हम वो जानते हैं कि वो कौन कौन से इश्यूज हैं जिनके जरिए किसी भी पर्सन को, किसी भी एम्प्लॉय को उन इश्यूज से गुजरना पड़ता है। तो उनमें पहला इशू है, डाटा प्राइवेसी इश्यूज में जो पहला इशू है वो है, आईटी कंपनीज अपने यूजर्स को मॉनिटर कर रही होती हैं विदाउट द अवेयरनेस ऑफ यूजर्स, यानी यूजर की इत्तला में लाए बगैर उसकी मूवमेंट्स, उसकी ट्रांजेक्शंस वगैरह को मॉनिटर करती हैं। सेकंड इशू है, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो अपने मैनेजर्स को ये अलाउ करती हैं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में मौजूद किसी भी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को देख सकते हैं विदाउट द यूजर्स परमिशन। और इसके अलावा कुछ कंपनीज कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के थ्रू इस बात का तयन करती हैं कि यूजर कितने वक्त के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है। और अक्सर कंपनीज लाइक प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज सिस्टम्स वगैरह अपने वर्कर्स की फोन कॉल्स की इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड करते हैं, जो कि आमतौर पर बिलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मॉनिटरिंग सिस्टम्स कंपनीज के लिए तो फायदेमंद है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज को इनसे इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसके जरिए उनकी प्राइवेसी को नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, ये तो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद एम्प्लॉयज की प्राइवेसी के इश्यूज थे। अक्सर सेल्स में किसी भी पर्सन की प्राइवेसी के बहुत से इश्यूज सामने आए हैं, जैसे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसों से किन प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, यानी इसके जरिए एक प्रोडक्ट, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिससे कस्टमर्स और प्रोडक्ट की प्रोफाइल डेवलप की जाती है और उसी के जरिए लोगों का लाइफस्टाइल, हैबिट्स वगैरह का तयन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप कराची से हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से स्पोर्ट्स की चीजें बाय कर रहे हैं, कुछ और लोगों ने भी स्पोर्ट्स की चीजें आपके एरिया में जो है, कुछ लोग उन्होंने स्पोर्ट्स की चीजें बाय की हैं, तो आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो कि प्राइवेट है, उसको यूज करते हुए रिपोर्ट तैयार होगी जो ये बताएगी कि इस एरिया के लोगों का क्या लाइफस्टाइल है। अक्सर ये डेटा कंपनीज दूसरी मार्केटिंग कंपनीज को डेटा भेज देती हैं विदाउट द अवेयरनेस ऑफ यूजर्स। इसी तरह अक्सर मेलिंग लिस्ट भी सेल की जाती है, इसीलिए आपको अक्सर मार्केटिंग की ईमेल्स आती हैं, जबकि आपने कभी उन मार्केटिंग कंपनीज से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की होती, अपना ईमेल आईडी शेयर नहीं किया होता, फिर भी आपको उनकी ईमेल्स आती हैं। और अब तो आपको आपके मोबाइल फोन पर भी तरह तरह की मार्केटिंग की मैसेज आ रहे होते हैं। तो किस बिना पर आते हैं, क्योंकि आपका मोबाइल फोन नंबर, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स और आपकी मेलिंग की डिटेल्स, जो कि एक प्राइवेट चीज है, उसको दूसरी कंपनीज को सोल्ड आउट किया जाता है।
तो फ्रेंड्स ये कुछ तरीके कार हैं जिनके जरिए किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को बिना उस पर्सन को बताए या फिर इन्फॉर्म किए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए इस तरह के इश्यू को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है, जो टर्म यूज की जाती है, इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी मीन्स आपकी तमाम इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना, यानी व्हाट पर्सनल इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद थर्ड पार्टीज। यानी हम इसे अक्सर वेब यूजर्स ये चाहते हैं कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के अलावा जिसे हमने इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि अगर आप फेसबुक पर कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि जिन पर्सन को आपने पब्लिक किया हुआ है सिर्फ वही आपकी उस पोस्ट को देखे। तो इसी तरीके से इसके अलावा आपकी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से शेयर ना की जाए, और ये टर्म कहलाती है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कि आपकी डेटा प्राइवेसी का एक पॉइंट है, यानी आपकी तमाम इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। इसी तरह messages can be exchanged without anyone else seeing them, यानी आपके messages को भी private रखा जाए, means जिसको आपने message send किया है, चाहे वो किसी particular organization के लिए हो या personal use के लिए हो, सिर्फ वही आपके messages देख सके जिसको आपने वो message send किया है, इसके अलावा कोई third party आपके messages को ना देखे। तो ये भी आपका एक privacy का, data privacy का point है। इसके अलावा Person has a right to see the data keep by him, यानी किसी भी कंपनी के employee की या फिर बैंक के यूजर्स को ये हक हासिल है कि वो जब चाहें अपने डेटा को जो उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया है, उसको देख सके। He also has the right to stop the processing of data by the organization। इसी तरह ये भी उसकी प्राइवेसी में ही शामिल है कि वो जब चाहे जहां चाहे अपने डेटा की प्रोसेसिंग को रोक सके। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी बिलिंग पर्पस के लिए आपकी कॉल्स को रिकॉर्ड रखती है, तो अगर आपको उस कंपनी के अलावा कहीं पर्सनल वे में कॉल करनी है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके डेटा को कुछ वक्त के लिए प्रोसेस होने से रोक दें, यानी आपकी कॉल्स को कुछ वक्त के लिए रिकॉर्ड होने से रोक दें। तो ये भी आपका एक राइट है। अनदर पॉइंट इज नो वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू डिस्क्लोज और यूज द डेटा Keep by its organization, यानी एक organization में मौजूद किसी भी worker को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपने colleagues के data को देखे या फिर उस data को इस्तेमाल करे without the permission of its colleagues, यानी आपका data आपके organization के पास है तो ये किसी worker को ये हक हासिल नहीं है कि वो आपके data को देख सके, आपके personal data को इस्तेमाल कर सके, तब तक जब तक कि वो आपसे उसकी परमिशन नहीं लेता या आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता। और अगर किसी वर्कर को डेटा कोई दूसरे वर्कर अगर किसी वर्कर का कोई डेटा है और जो कि दूसरा वर्कर यूज कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के लिए, तो द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द डेटा, यानी ये उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो उसके डेटा को पर्सनल रखे। इसके अलावा अक्सर ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर के पर्सनल डेटा सालों सालों अपने पास रखती है, तो द ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप डेटा फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ओनली, यानी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ कुछ टाइम के लिए जब तक कि उन्हें उनके डेटा की जरूरत है तब तक उस डेटा को अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा अक्सर ऐसा भी होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो एम्प्लॉयज उनकी कंपनी से चले भी जाते हैं, इसके बाद भी वो उनका डेटा अपने पास रखती है। तो ये एक डेटा प्राइवेसी का पॉइंट है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को हक हासिल नहीं है कि वो किसी भी एम्प्लॉयज का डेटा अपने पास सालों सालों रखे। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, एट नो पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा द राइट ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी वायलेटेड, यानी अगर आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने एम्प्लॉयज, यानी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपका डेटा इस्तेमाल कर भी रही है तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी उस पर्सन का डेटा वायलेट ना हो, उसके डाटा को नुकसान ना पहुंचे, वो डाटा डैमेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी का ये रूल है कि वो जब तक आप उस कंपनी में हैं तब तक आपकी तमाम डिग्रीज को अपने पास रखेंगे, तो ऐसे में उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि आपके डाटा यानी उस डिग्रीज की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज हैं उनके तमाम डाटा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसी ऑर्गेनाइजेशन पर ही आयद होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिंग डाटा should collect only the accurate or necessary data for its working and should not collect unnecessary data.
यानी अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को आपसे सिर्फ आपके काम से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना चाहिए, ना कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, यानी जो जरूरत का डाटा है सिर्फ वही कलेक्ट किया जा सके, इसके अलावा कोई और डाटा वो अपने पास ना रखें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट थे जो किसी भी इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी में होने ही चाहिए। तो ये थी डाटा प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे जिसका नाम है सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड लॉ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।